सब चीज न्यूली कंस्ट्रक्टेड है ना, इसीलिए मस्त है सब अभी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड हेल्दी। तो बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप एवीसी ना यूनिवर्सिटी पे वीडियो नहीं बना रहे हो, एवीसी ना के यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बता रहे हो, हॉस्टल के बारे में नहीं बता रहे हो। तो ठीक है, तो आज मैं आ गया हूँ एवीसी ना के हॉस्टल में, एज यू कैन सी। तो ऐसा कुछ गेट है हॉस्टल का और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा है एवीसी ना का हॉस्टल। वैसे ये अभी अभी नया नया ही न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो इधर काम चल रहा है अभी। तो ऐसा कुछ एंट्री है भाई, ये देखो ये पूरा हॉस्टल है। थोड़ा मैं बच्चों से पूछा हूँ कि क्या है कैसा है इस तरफ, तो थोड़ा मोड़ा मेरे को पता है। तो मैं अभी थोड़ा आपको उस साइड दिखाता हूँ जहाँ बच्चे बैठते हैं और वही शाम आम में बैठा जाता है जहाँ। तो ऐसा कुछ देख सकते हैं बैठने का है भाई यहाँ पर, देखो। तो यहाँ जिम वगैरह भी लगा रखा है ये। देखो, और हाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी जो महीना चल रहा है वो है अगस्त, आज है 28 अगस्त। तो जितने भी बच्चे हैं अभी सब इंडिया में हैं, तो अभी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है। करीब यहाँ 8 से 9 बच्चे को ही देखा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो आप, बॉक्सिंग पंच क्या बोलते हैं स्क्वायर, ये भी लगा के रखा है। तो जो इस हॉस्टल का हेड है वो मुझे बता रहा था कि यहाँ एक काइंड ऑफ जिम लगाने वाले हैं जिसमें बच्चे जिम कर सकते हैं। और आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, मर्सिडीज़ में गद्दे सूख रहे हैं। देखो भाई, रहीसी तो देखो। तो मर्सिडीज़ में गद्दे सूख रहे हैं, रहीसी ये होती है 01 kg 500 ADM। तो चलो बकवास कम करते हैं और चलते हैं अंदर, ठीक है। तो ऐसा कुछ एंट्री है भाई, तो आते ही ये सिक्योरिटी रूम दिख रहा है जिसमें कैमरे चल रहे हैं पूरा, आप देख सकते हैं। और ये टीवी रूम है, यहाँ हम कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख रहे थे। जी हाँ, इंडिया जीत गया, यस। तो यहाँ 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेस दिखा देता हूँ, मेस ग्राउंड फ्लोर में है, फिर उसके बाद रूम्स दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा मेस है यार, लाइट जल गई है, पूरा मैस आप देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी अगस्त का महीना है, जितने भी बच्चे हैं सब इंडिया में हैं, अभी आने वाले हैं। तो अभी सब आएंगे तब मैस स्टार्ट होगा, अभी मैस स्टार्ट नहीं है। अभी कुछ 9-10 बच्चे हैं, वो 9-10 बच्चे कभी कहीं भी बाहर खा लेते हैं और यहाँ भी बना लेते हैं। तो यहाँ भी बनाने का भी है व्यवस्था कि रूम में आप अपना कुछ कुछ इंडक्शन या तो स्टोव होता है ना, गैस स्टोव वगैरह ले आएँ और बना सकें। तो ऐसा कुछ मैस है यार, सही मैस है एकदम, पूरा लाइनिंग वगैरह दिया है और इसके अंदर बाथरूम भी है शायद। तो ये स्टडी रूम है यार। अब आप ही बताओ, ये हॉस्टल लग रहा है कि होटल लग रहा है, ये बताओ। मेरे ख्याल से यार बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस बच्चे नहीं हैं। बच्चे होते तो और मज़ा आता, मस्त बात बात करता मैं, और भाई क्या हाल है, कहाँ से हो, इंडिया से हो, ऐसे वैसे। सही है, बहुत अच्छा है। अभी टेबल्स वगैरह यहाँ लगने बाकी हैं, स्टडी रूम है ये, स्टडी रूम बोला जाता है इसको। ऐसा कुछ स्टडी रूम है यार।
और ये मेस के जस्ट बगल में ही है, यहाँ आप हाथ हाथ धो सकते हो ऐसा। तो अभी मैं आ गया हूँ सेकेंड फ्लोर, और सेकेंड फ्लोर में आपको मैं रूम्स दिखाने वाला हूँ। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कैमरास लगे हैं, ये देखो। तो ऐसे कोई सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। तो ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे कमरे हैं, ये कमरा दिख रहा है, ये कमरा दिख रहा है, ये कमरा दिख रहा है। चलो इसमें ही चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं, तो एक कमरे में सब घुसते ही आपको ये दिखता है, आप इसमें जूते रख सकते हैं, यहाँ कोट वगैरह टांग सकते हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के रूम्स में अटैच बाथरूम है, ये देखो आईना भी लगा है, मस्त बाथटब भी है। और ऐसा कुछ टेबल अलमारी, चार लोग रहेंगे एक रूम में, ये देखो 1, 2, 3, 4 और ये अलमारी भी हुआ है। अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ न्यूली कंस्ट्रक्टेड है ना, इसीलिए मस्त है सब। अभी व्यू भी अच्छा है यहाँ से, ये रूम कौन लेना चाहेगा? जो ले रहा है ये रूम कमेंट कर देना, लेवा दूंगा मैं। सही है, अच्छा है रूम। बाकी बाहर का थोड़ा सा आपको कॉरिडोर दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ देखो कॉरिडोर है, उधर और हॉस्टल रूम सब पूरा अभी देख रहे हो आप, इधर और रूम है वैसे, यहाँ पर पूरा फैला हुआ है उस तरह। तो ये हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर भाई। थर्ड फ्लोर के किसी एक ना एक रूम में मैं आ गया हूँ, शायद 318। और थर्ड फ्लोर से भी क्या मस्त व्यू है यार, ये देखो। मुझे इस हॉस्टल की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि आप वो देखो, यहाँ पर ही आपको बस मिल जाएगी, यहीं आसपास ही एक बस स्टेशन है, कहाँ पर तो है मुझे याद नहीं आ रहा है, यहीं पर है, आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। रूम तो काफ़ी देखो ऐसा है, 2 बेड ऐसे डबल डेकर, टेबल, अलमारी, अलमारी में बढ़िया लॉक लगाया क्वालिटी वाला, ये अलमारी हो गया। अच्छा अलमारी है, जूते रखने के लिए टेबल, बाथरूम, सब चीज दिया हुआ है। ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप खुद बताओ कि कैसा लगा वो हॉस्टल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैस भी बहुत अच्छा है, मतलब जो भी है ना सब मॉडर्न है, पुराना कुछ नहीं है, इसी साल सब कुछ बन रहा है और अभी बनने वाला है। मतलब थोड़ा सा गंदा है इसीलिए, क्योंकि अभी कोई हॉस्टल में है नहीं, तो थोड़ा मोड़ा धूल तो आएगा ही यार कहीं ना कहीं से। बाकी कैमरा हर जगह लगे हैं, तो सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये ऊपर टेरेस के लिए चल जाता है, और ये सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। माय नेम इज चौधरी प्रवीण, आई एम फ्रॉम गुजरात। मैं मेनली मेरे हॉस्टल के बारे में आज बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरा एविसिना हॉस्टल एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। यहाँ पर हम कुछ 10-12 स्टूडेंट थे, वो इधर ही रह गए, बाकी सारे इंडिया गए हैं। अभी फ़िलहाल हमारा मैस वैस सब बंद है, हम खुद ही बना के खा रहे हैं। लेकिन सितंबर जैसे ही हमारा सेशन चालू हो जाएगा, तब तो हमारा मैस का सब चालू हो जाएगा। 5-6 बजे जैसे सब कॉलेज से आते, सब इधर बैठ सकते, घूम सकते, या खेलना हो तो खेल भी सकते। पीछे की साइड में भी बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। एक मेडिकल स्टूडेंट को जिस तरह फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उस हिसाब से अब लग रहा है कि हाँ मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे उस तरह की फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ तक कि हमारे एक पास में छोटी सी एक मैगजीन है, और कुछ लाना हो तो एक मेडिकल स्टोर भी है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ से कुछ ले सकते हैं। मेरा फेब सेशन में मेरा सब चालू हुआ था, और मैंने लेट एडमिशन लिया, और उसके कारण मैं इंडिया नहीं गया, क्योंकि मैं 3 ईयर ही मैंने पास किए थे, इसलिए मैं नहीं गया।
मतलब 3 महीने मैंने पास किया था, मैं नहीं गया इंडिया, मैं इधर ही हूँ, मेरे साथ 10-12 और भी है। कितने महीने हो गए? मेरे को वैसे देखो 5 महीने हुए, लेकिन 2 महीने मैंने स्टडी की है, उसके बाद हमारा वैकेशन हो गया था, हॉलीडेज थे। 3 मंथ से हम खुद इधर रह रहे हैं, 3 मंथ से हमारा जो मेस का जो खाने का है वो फिलहाल बंद है। बाकी फिर यहाँ से अगर मान के चलो आपको यूनिवर्सिटी जानी है, सेंटर जाना है, तो बसेस वगैरह तो दिन भर चलते होंगे। जैसे ही हम, मैं बता दूं कि ये जो देख रहे हैं ना वो लोकेशन, यहाँ पर बाहर ये यहाँ पे स्टैंड है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ एग्जैक्ट, जैसे बाहर निकलोगे गेट से कहीं दूर नहीं है, जैसे गेट से बाहर निकलोगे वहीं पर एक मसूद का स्टैंड है, वहाँ से हमको जो भी चाहिए वो मिल जाती है। उसके लिए अपने एक फ़ोन में ऐप आता है 2GS करके, उसमें बहुत ही सिंपल ऐप है, ये रहा 2GS, ये वाला ऐप है, इसमें बस ये वाला ऐप डाउनलोड कर देना है और इसके अंदर लोकेशन डालना है ऊपर, अभी मेरे नोट में इसके अंदर लोकेशन हम डाल देंगे, हमारे जो एविसिना का है वो लोकेशन प्रॉपर डालने से हमें सब बता देंगे कौन से नंबर की कितने बजे कितने टाइम पे हमारे वहाँ पर आएगी, ऑन द फूट पूरा लिखा हुआ आता है, जो भी होती है वो मिल जाती है 15 रुपये की, बहुत ही चीप है, कोई ज़्यादा है भी नहीं कि हाँ 15 सोम में हमें वहाँ तक ले जाती है। जैसे कि हमको अगर चल के भी जाना है तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 किलोमीटर ही है, यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, और सुबह सुबह वॉकिंग भी होती है अगर जाना चाहो तो। और आपको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आई लोकल्स के साथ कि आपको सीनियर्स ने जो भी है मतलब बताया होगा स्टार्टिंग में कैसे जी स्टार्ट किया जाता है कन्वर्सेशन वगैरह, यहाँ थोड़ी मोड़ी तो आई होगी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी हमें यहाँ की लैंग्वेज के बारे में, बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि यार क्या यार ये कुछ बोलते रशियन चुत दा खराश हो, हम कुछ पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि हम बाजार जब भी जाते थे सीनियर्स हमारी बहुत हेल्प करते थे वो हमारे साथ, और ज़्यादातर हम हमारा काम ट्रांसलेटर से काम चला लेते थे, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक हमको सीखनी ज़रूरी है यहाँ तक किसी के मिलने के। और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ इतना एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, वहाँ पर थोड़े वो लोकल्स पीपल का ज़्यादा था, और यहाँ पर ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ तक मुझे जितने लोकल्स मिले मेरे खुद के मैंने फ्रेंड्स बना दिए कुछ मुनीबा आथू बहुत सारे से फ्रेंड्स मैंने बना लिए, और बहुत ही अच्छे है जो हमारे साथ भी एक हमारा लोकल इधर रहता है हमारे हॉस्टल में। तो भाई गुजरात से हैं और यहीं पर रह रहे हैं, तो जो भी रिव्यू वगैरह है आपको बताइए, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा हॉस्टल, मैंने तो आपको दिखाया ही अंदर से, बस थोड़ा सा गंदा है क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट है नहीं, तो ऑफकोर्स थोड़ा धूल वगैरह लग ही जाएगा। और मैस सेप्टेम्बर से चालू होने वाला है ना? हाँ, तो मैस अभी सेप्टेम्बर से चालू होने वाला है 10-15 दिन के बाद, और हॉस्टल तो आपको अच्छा ही लगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हॉस्टल कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्स्ट्रा एबीसीना यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में, मेस के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट यहाँ शो कर रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अभी जा रहा हूँ एबीसीना यूनिवर्सिटी, वहाँ का पूरा आपको टूर दूंगा, जो भी है आपको दिखाता हूँ वहाँ अच्छे से। ठीक है, बाय बाय।